दोनों प्रॉपर्टी होगा तो कहेंगे म्यूकोसिलस कैप। म्यूकस कैप क्या करेगा, सेक्रेट म्यूकस, ये अपने में से म्यूकस को छोड़ेगा। और इसके लिए टिपिकल एग्जांपल हो जाएगा गॉबलेट सेल, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर का जिसमें एक सेल होगा, उसकी बात हो रही है कि हो गया गॉबलेट सेल। सीरस कैप सेल क्या करेगा, सेक्रेट एंजाइम्स, ये अपने में से एंजाइम छोड़ेगा। अब देखिए एंजाइम कहाँ कहाँ से आएगा, ये आप पहले से जानते हैं। एंजाइम कहाँ से आएगा, सबसे पहला है आपके स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सेल है इसको कहते हैं हम लोग चीफ सेल और जामोजन सेल। चीफ सेल या बोलते हैं जामोजन सेल। अब याद कीजिए कि चीफ सेल या जामोजन सेल अपने में से प्रोपेप्सिन, प्रोडेनिन इस सब एंजाइम को सेक्रेट करता है। दूसरा है क्रिप्स ऑफ लिवर कून, क्रिप्स ऑफ लिवर कून ये इंटेस्टाइन के दो विलस के बीच में होता है, क्रिप्स ऑफ लिवर कून। यहां पर आपको पैनिक सेल मिलेगा, याद कीजिए पैनिक सेल ये भी अपने में से क्या करेगा, एंजाइम को सेक्रेट करेगा। पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक एसिनस सेल, पैनक्रियाटिक एसिनस सेल, ये सब आंसर होगा। और म्यूकोसिलस टाइप में म्यूकस प्लस सीरस, सीरस जो होते हैं एंजाइम वो फ्लूड नेचर का होता है, क्लियर फ्लूड एकदम साफ होता है, क्लियर फ्लूड होता है सीरस, क्लियर फ्लूड। वैसा ही यहां पर होगा, सेक्रेट बोथ म्यूकस प्लस एंजाइम्स, म्यूकस भी छोड़ेगा एंजाइम भी छोड़ेगा। ऐसा कहां होगा, इसके लिए एग्जांपल ले लेंगे तो आंसर होगा सलाइवरी ग्लैंड सेल्स, सलाइवा निकालने वाला सलाइवरी ग्लैंड सेल्स, इसके लिए एग्जांपल हो जाएंगे। ये बात हम लोग कर रहे थे यूनिसेलुलर के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे मल्टीसेलुलर के बारे में। तो अभी जो हम लोग यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर पढ़ाई कर रहे हैं वो उस ग्लैंड के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं जो नंबर वन है, जिसका नाम होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मीन्स होता है जिसमें डक्ट प्रेजेंट होगा, नली होगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा, डक्ट प्रेजेंट होगा। तो याद रहे ग्लैंड में जब एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टीसेलुलर हो सकता है, यूनिसेलुलर म्यूकस टाइप, सीरस टाइप या म्यूकोसीरस टाइप हो सकता है। अब हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड के दूसरे पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम होगा मल्टीसेलुलर। चलिए इसके सेकंड कंपोनेंट को देखते हैं, सेकंड कंपोनेंट है इसका मल्टीसेलुलर ग्लैंड। अब देखिए ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड जो है, ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड कितने प्रकार का हो सकता है, पहले तो इसको हम लोग दो भाग में बांट लें, एक होगा टिब्यूलर और दूसरा होगा एल्वियोलर या सैक्यूलर। एल्वियोलर या कहेंगे सैक्यूलर। अब इस दोनों को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, टिब्यूलर को पहले डिवाइड करेंगे सिंपल और कंपाउंड टिब्यूलर। सिंपल टिब्यूलर पहले नेम आएगा सिंपल टिब्यूलर, दूसरा आएगा कंपाउंड टिब्यूलर, कंपाउंड टिब्यूलर। वैसे ही एल्वियोलर को भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, एक होगा सिंपल एल्वियोलर, सिंपल एल्वियोलर, दूसरा होगा कंपाउंड एल्वियोलर। अब हम लोग एग्जांपल लेंगे, अपना ध्यान दीजिए। सिंपल टिब्यूलर में पहला सिंपल टिब्यूलर में आएगा नेम स्ट्रेट,
जो एकदम सीधा होगा, स्ट्रेट का मतलब है कि ये जो ट्यूब होगा एकदम स्ट्रेट होगा, सीधा होगा। इसके लिए एग्जांपल होगा क्रिप्स ऑफ लिवरपूल, जो इंटेस्टाइन में दो वेनस के बीच में क्रिप्स ऑफ लिवरपूल होता है वहां होगा स्ट्रेट। दूसरा होगा क्वाइल, क्वाइल होगा। देखिए तो क्वाइल कहां होगा, स्वेट ग्लैंड में, स्वेट ग्लैंड। क्वाइल का मतलब है कि ये जो आ रही है नली वो घूम जाएगी ऐसे, तो ये क्वाइल ट्यूबलर कहलाएगा। थर्ड ब्रांच ट्यूबलर, ब्रांच ट्यूबलर, ब्रांच ट्यूबलर में आएगा। ब्रांच ट्यूबलर का मतलब है कि ऐसे इसमें से ब्रांच निकल जाएंगे, ब्रांच ट्यूबलर हो जाएगा। तो ब्रांच ट्यूबलर में एग्जांपल आएगा जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जैसे आएगा यूट्राइन ग्लैंड या यूट्रस का ग्लैंड, यूट्राइन ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, यूट्राइन ग्लैंड, ये सब एग्जांपल होगा इस ब्रांच ट्यूबलर का। अब है कंपाउंड ट्यूबलर। कंपाउंड ट्यूबलर का मतलब होता है कि इसमें कई भाग में ट्यूबल्स बटे हुए रहेंगे, ब्रांच और उससे मिली ब्रांच सेक्टर में दिए रहेंगे, तो आप उसको कहेंगे कंपाउंड ट्यूबलर। कंपाउंड ट्यूबलर कहाँ होगा, इसके लिए एग्जांपल क्या होगा, सो मेमोरी ग्लैंड ऑफ ए ब्लेन मैमल्स, मेमोरी ग्लैंड ऑफ ए ब्लेन मैमल्स, एग-लेइंग मैमल्स, याद कीजिए एग-लेइंग मैमल्स। आप पढ़ते हैं डक-बिल्ड प्लैटिपस एंड एकिडना। डक-बिल्ड प्लैटिपस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्निथोडिकस, और एकिडना को कहते हैं टैकिग्लोसस। अब आ रहे हैं हम लोग एल्वियोलर में। एल्वियोलर में भी आप देख रहे हैं दो ब्रांच हम लोग किए हुए हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए, पहला है सिंपल एल्वियोलर और दूसरा है कंपाउंड एल्वियोलर। बात की जा रही है सिंपल एल्वियोलर की। सिंपल एल्वियोलर में देखिए सिंपल एल्वियोलर में आएगा पहला म्यूकस एंड क्वाइगन ग्लैंड, जो फ्रॉग के स्किन में होगा। सिंपल बना रहा है इसे एक सिंपल, ये सिंपल एल्वियोलर में क्या होगा, म्यूकस एंड क्वाइगन, म्यूकस एंड क्वाइगन ग्लैंड इन फ्रॉग स्किन। ये सिंपल सैक के रूप में आपको मिलेगा। इसी में ब्रांच अगर हम खोलेंगे, ब्रांच एल्वियोलर, तो ब्रांच एल्वियोलर कहाँ होगा, ब्रांच एल्वियोलर, ब्रांच एल्वियोलर का मतलब है किसी में आप दो ब्रांच करते, ये ब्रांच एल्वियोलर हो जाएगा। तो ब्रांच एल्वियोलर के लिए एग्जांपल होगा सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, तो ये आंसर होगा सीबेसियस ग्लैंड। कंपाउंड एल्वियोलर, कंपाउंड एल्वियोलर में क्या होगा, कई ब्रांच होंगे ऐसे 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 कई ब्रांच हो जाएंगे, तो हम लोग नेम देंगे कंपाउंड एल्वियोलर। कंपाउंड एल्वियोलर का एग्जांपल होगा मेमोरी ग्लैंड ऑफ नॉन लैक्टेटिंग फीमेल, आई मीन ह्यूमन फीमेल, मेमोरी ग्लैंड। इसके लिए एग्जांपल होंगे मेमोरी ग्लैंड ऑफ, मेमोरी ग्लैंड ऑफ नॉन लैक्टेटिंग, मेमोरी ग्लैंड ऑफ नॉन लैक्टेटिंग ह्यूमन फीमेल, ये आप आंसर दे सकते हैं, ये आंसर होगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड ट्यूबलो एल्वियोलर, कंपाउंड यानी दोनों तरफ का कंपाउंड, ट्यूबलर का भी कंपाउंड और एल्वियोलर का भी कंपाउंड, इसको कहेंगे हम लोग कंपाउंड ट्यूबलो एल्वियोलर, कंपाउंड ट्यूबलो एल्वियोलर ग्लैंड। कंपाउंड ट्यूबलो एल्वियोलर ग्लैंड कहां होगा, तो याद रखना है कि ये
अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और बाद में जब वो अपने बच्चे को मिल्क फीड करवाती है, उस समय में जो मेमरी ग्लैंड अभी कंपाउंड एल्वियोलर है, ये बाद में कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर में चेंज कर जाता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेमरी ग्लैंड मेमरी ग्लैंड ऑफ, अब क्या नेम आएगा, तो मेमरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल कब होगा, तो कहेंगे लैक्टेटिंग कंडीशन, जब ये अपने बच्चे को मिल्क फीड करवाएगी डिलीवरी के बाद, लैक्टेटिंग फीमेल वहां होगा, ये लैक्टेटिंग फीमेल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कहां होगा, तो आप कह सकते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड जो फीमेल में होते हैं, बार्थोलिन्स ग्लैंड जो फीमेल में होता है और कॉपर्स ग्लैंड जो मेल में होता है, कॉपर्स ग्लैंड जो मेल में होता है, तो ये है फीमेल के लिए सिंबल और ये है मेल के लिए सिंबल, ये मिलता है, ये सब एग्जाम्पल है कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड का। एक्सोक्राइन ग्लैंड हम आपको दिखलाए, दूसरा है और ये आएगा कहां, इसमें से क्या निकल के आएगा, तो आंसर है हार्मोन्स आएगा, और ये हार्मोन्स या तो ब्लड में आएगा, ब्लड में आ जाएगा डायरेक्ट, या लिम्फ में आ जाएगा डायरेक्ट। तो हार्मोन्स का सेक्रीशन ब्लड में या लिम्फ में होगा, जिसमें ग्लैंड में क्या नहीं है, डक्ट नहीं है, जिसमें डक्ट है इसमें से कुछ भी निकल के आ सकता है, ये एक्सोक्राइन के लिए है। तो आपको बताया था एक्सोक्राइन में डक्ट होगा, ये डक्ट है, नली जिसको कहते हैं वो है मौजूद, यहां से मिल्क हो सकता है निकल जाए मेमरी ग्लैंड से, पसीना वाली ग्रंथि से स्वेट आएगा, म्यूकस आएगा, सलाइवा आएगा, म्यूकस सलाइवा, ये सब आपको सेक्रीशन में आएगा, एंजाइम्स बाहर आ सकता है, ये सब आपको मिलेगा एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एंडोक्राइन में क्या नहीं होगा, ग्लैंड, ऐसा ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होगा। आपको पता है एग्जाम्पल के लिए, जैसे पिट्यूटरी, जैसे पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, एड्रिनल थायमस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज, ये सब जो ग्लैंड है ये सब क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तीसरा ग्लैंड है, इसको कहते हैं हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड, और हेटेरोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड में दोनों आता है, एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन, दोनों पार्ट होता है इसका, कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन पार्ट प्लस एंडोक्राइन पार्ट, दोनों पार्ट जब होंगे तो नाम हो जाएगा हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसके सिंपल एग्जांपल लेंगे तो आंसर हो जाएगा पैंक्रियास, पैंक्रियास के अलावा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्टमक, इंटेस्टाइन, टेस्टिस, वो भी जिसको गोनेट कहते हैं, गोनेट, टी फॉर टेस्टिस एंड ओ फॉर ओवरी, ये सब हेटेरोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल होते हैं, जो बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। और फिर से ग्लैंड को मतलब बेसिक ऑफ मोड ऑफ सेक्रीशन के आधार पर हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
देखिए फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पर ग्लैंड, और इस ग्लैंड को ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सेक्रीशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सेक्रीशन के आधार पर फिर से इसको डिवाइड कर रहे हैं। इससे पहले वाले में क्या था, डक्ट के आधार पर, डक्ट होगा तो एक्सोक्राइन, नहीं होगा एंडोक्राइन, अब दोनों हो जाए तो हेटरोक्राइन। अब है यहाँ पर कि किस आधार पर सेक्रीशन होगा उसके आधार पर हम लोग ग्लैंड को डिवाइड कर रहे हैं। पहला है अपोक्राइन, अपोक्राइन ग्लैंड। अब सोचिए सेक्रीशन सेल के ऊपरी हिस्से में जमा हुआ, एपिकल पार्ट ऑफ द सेल में सेक्रीशन जमा हुआ, और जब डिस्चार्ज हुआ तो एपिकल पार्ट डिस्ट्रॉयड हो गया। अब ये सारा सेक्रीशन बाहर गया तो अब आप इसको कहेंगे अपोक्राइन ग्लैंड। अपोक्राइन ग्लैंड के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा स्वेट ग्लैंड, इसके लिए एग्जाम्पल होगा स्वेट ग्लैंड। और आपको याद होगा कि स्वेट ग्लैंड मॉडिफाइड होकर के फीमेल में मैमरी ग्लैंड में चेंज कर जाता है, मैमरी ग्लैंड। और आपको याद होगा कि मेल में मैमरी ग्लैंड जो है वो वेस्टिजियल होता है, नॉन फंक्शनल होता है, और ये मैमरी ग्लैंड मेल में नॉन फंक्शनल या वेस्टिजियल होता है, जबकि फीमेल में ये फंक्शनल होता है। तो स्वेट ग्लैंड का ऊपरी हिस्सा में सेक्रीशन जमा हुआ, वो टूट करके अलग हो गया, सेक्रीशन बाहर निकल गया। अपोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा, सेक्रीशंस स्टोर्ड इन एपिकल पार्ट ऑफ द सेल, एपिकल पार्ट ऑफ द सेल, और क्या होगा, सेक्रीशन रिलीज होगा, ब्रेक डाउन ऑफ द एपिकल पार्ट, सेक्रीशंस रिलीज After breakdown of apical region या apical part, second gland है उसको कहेंगे हम लोग neurocrine gland। अब देखिए neurocrine gland में क्या होगा, neurocrine gland में क्या होगा कि gland में secretion जमा होगा। अब ये बिना टूटे हुए डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ये अपना सेक्रीशंस बाहर कर देगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, इसमें सेल का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सेक्रीशन कम्स आउट थ्रू डिफ्यूजन मेथड, डिफ्यूजन मेथड के द्वारा बाहर आएगा, सेक्रीशन कम्स आउट थ्रू डिफ्यूजन मेथड, नो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, इसमें सेल का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, नो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। अब कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए, यहां के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा लीवर पैनक्रियास, लीवर होगा पैनक्रियास होगा सलाइवरी ग्लैंड होगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड होगा, ये सब जो ग्लैंड है ये न्यूरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल हो जाएगा। और थर्ड जो ग्लैंड है इसको कहेंगे होलोक्राइन ग्लैंड। अब ये होलोक्राइन ग्लैंड इसमें क्या है कि सेक्रीशन जब सेल में जमा होगा तो पूरा सेल ही बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा और सेक्रीशन बाहर आ जाएगा, इसलिए नेम है होलोक्राइन। इसके लिए एग्जाम्पल है सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड इसमें क्या है, सेक्रीशन रिलीज आफ्टर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, सेल के 100% डिस्ट्रॉयड होने के कारण सेक्रीशन क्या हुआ, रिलीज हो गया, तब आप इसको कहेंगे होलोक्राइन ग्लैंड। अब ग्लैंडर टिश्यू हम लोग पढ़ लिए, अब आएगा सेंसरी और जर्मिनल के बारे में बात कर लेंगे। एक लाइन
Now, sensory epithelium. सेंसरी एपिथेलियम में क्या होगा कि एक सेंसरी सेल लेंगे आप, इस सेल का नेम क्या होगा, सेंसरी सेल। सेंसरी सेल को जो सपोर्ट करेगा सेल, जो इसको अपने ऊपर रखेगा, इसको कहेंगे हम लोग सपोर्टिंग सेल। ये सपोर्टिंग सेल है, सपोर्टिंग सेल। अब देखिए सेंसरी सेल के एक एंड पर सेंसरी हेड है लगा हुआ। अब ये सेंसरी हेयर का क्या काम है, तो सेंसरी हेयर का काम है रिसीव स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस आप देंगे उसको ये रिसीव करेगा, रिसीव स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करेगा और उसके बाद इसको ये ट्रांसफर कर देगा सेंसरी नर्व को। अब अदर एंड पर इस सेंसरी सेल के अदर एंड पर देखिए एक नर्व लगा हुआ है, जिस नर्व को कहेंगे आप सेंसरी नर्व। अभी सेंसरी नर्व के द्वारा सेंसेशन जो है ये ब्रेन तक जाएगा, कहाँ जाएगा, ब्रेन तक जाएगा ये, और इससे हमारा फंक्शन कंट्रोल होगा ब्रेन के द्वारा। अब यह सेंसरी एपिथेलियम कहाँ मिलेगा, जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे देखिए रेटिना ऑफ एन आई, आंख में है, रेटिना ऑफ एन आई, तो आंख में रेटिना है, टेस्ट बर्ड है टंग पर, टेस्ट बर्ड्स ऑफ टंग, या फिर हमारा जो इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर के अंदर में आपको ऑर्गेन ऑफ पार्टी मिलता है, ऑर्गेन ऑफ पार्टी ऑफ इंटरनल ईयर। तो याद रखना है कि टंग, ईयर, आई, ये सब हमारा सेंसरी ऑर्गेन है, और इस सेंसरी ऑर्गेन में हमारा ये सेंसरी एपिथेलियम मिलेगा। नेक्स्ट है पिगमेंटेड एपिथेलियम। देखिए ये पिगमेंटेड एपिथेलियम कहाँ मिलेगा, तो पिगमेंटेड एपिथेलियम आपको, पिगमेंटेड का मीन्स है इसमें कलर होगा, जैसे रेटिना ऑफ एन आई, रेटिना में कलर है, रेटिना ऑफ एन आई पिगमेंट है, रॉड सेल्स, कॉर्न सेल्स का नाम सुने होंगे आप, रेटिना ऑफ एन आई, या फिर दूसरा आई में ही आइरिश है, आइरिश ऑफ एन आई, इसमें हमारा पिगमेंट है पिगमेंटेड एपिथेलियम। या फ्रॉग का स्किन देखेंगे आप, स्किन ऑफ फ्रॉग, वहां पर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है जर्मिनल एपिथेलियम, लास्ट जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम जो है ये मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और ये मिलेगा आप टेस्टिस में, ओवरी में, और याद कीजिए टेस्टिस ओवरी में इसका फंक्शन होगा क्या बनाना, गैमेट बनाना, और गैमेट मेल का हो सकता है या फीमेल का हो सकता है, जैसे मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट एग, वहां पर ये इसको बनाने में हेल्प करेगा। एक वर्ड आता है इसको कहते हैं आप मायोथेलियम या मायोएपिथेलियम। अब देखिए मायो वर्ड जुड़ा हुआ है, तो मायो का मीन्स होता है उसमें मसल के जैसा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी मौजूद होते हैं, इसलिए नाम होता है मायोएपिथेलियल सेल। अब जैसे पूछ दिया जाए कि मायोएपिथेलियम, मायो एपिथेलियम कहाँ मिलेगा या मायो एपिथेलियल सेल कहाँ मिलेंगे, तो आंसर है मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल, जो मिल्क को रिलीज कराने में मदद करता है, जिस पर कि ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन आकर के एक्ट करता है, मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल, वहां पर आपको ये मिल जाएगा मायो एपिथेलियम या मायो एपिथेलियल सेल। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। अब देखिए कंपाउंड एपिथेलियम, अब कंपाउंड एपिथेलियम में आपको दो नेम हम आपको बताए हैं, फर्स्ट नेम आपको बताए थे हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और सेकेंड बताया है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो फर्स्ट नेम है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम,
इस स्टडी फाइव एपिथेलियम के बारे में जानकारी लेने से पहले जरा हम कुछ आपको समझाना चाहेंगे। जो सिंपल एपिथेलियम आपको बताए थे या जो आपको बताए हैं कि जिसमें सिंगल सेल का लेयर होता है, तो वो उस जगह पर होगा जहाँ का एरिया मॉइस्ट होता है, जहाँ वियर एंड टीयर नहीं होता है। लेकिन ये कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ होगा? फाउंड इन दोज एरिया ऑफ बॉडी, फाउंड इन दोज एरिया ऑफ बॉडी वेयर वियर एंड टीयर प्रेजेंट। जहां पर वियर एंड टीयर होता रहेगा वैसे जगह पर मल्टी लेयर मोर देन वन सेल लेयर की जरूरत पड़ती है, और जहां पर वियर एंड टीयर प्रोसेस नहीं होगा वहां पर सिंपल एपिथेलिया होगा, सिंगल लेयर वाला होगा। और यहाँ कंपाउंड का मीन्स हम आपको बताए थे मोर देन वन सेल थिक। इसमें से स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया हम आपको बताने जा रहे हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया दो प्रकार के होते हैं, एक है क्रेटिनाइज और एक है नॉन क्रेटिनाइज। एक है क्रेटिनाइज और एक है नॉन क्रेटिनाइज। दो प्रकार का आपको हम समझाएं। क्रिएटिनाइज में क्या होगा? क्रिएटिन फॉर्मेशन होगा, क्रिएटिन बनेंगे। क्रिएटिन फॉर्मेशन को क्रिएटिनाइजेशन या आप इसको कॉर्निफिकेशन कहते हैं, और कॉर्निफिकेशन नाम दिया जाता है। केराटिन प्रोटीन केराटोहाइलिन से बनता है। केराटिन जो है ये बनता है केराटोहाइलिन से, और ये केराटिन जब जमा हो जाएगा सेल में तो सेल डेड हो जाएगा। केराटिन डिपोजिशन, जैसे ही केराटिन का डिपोजिशन होगा मेक सेल डेड, सेल बढ़ जाएगा, और वो मरा हुआ सेल उस जगह से बार बार हटता रहेगा, रिमूव होता रहेगा। डेड सेल शेड ऑफ वहां से गिरता रहेगा, और उसकी जगह पर नया सेल आता रहेगा, और उसी को हम लोग डायग्राम में देखेंगे। नॉन क्रेटिनाइज्ड क्या होगा? सेम एज क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया, बट देयर इज नो क्रिएटिन फॉर्मेशन, इसमें क्रिएटिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो सेम एज क्रिएटिनाइज्ड एपिथेलिया, क्रिएटिनाइज्ड एपिथेलिया बट There is no creatinine formation. यहाँ creatinine formation नहीं होगा, creatinine नहीं बनेंगे। ये आपको समझना है कि creatinine का formation यहाँ पर नहीं होता है। अब डायग्राम अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बीएम का मीन्स आपको समझ आना है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जो नीचे के सेल्स हैं वो थोड़े से बड़े बड़े हैं, इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रेटम मालपिगी, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जर्मिनेटिवम या आप इसको कहेंगे स्ट्रेटम मल्पिगी। साइंटिस्ट मल्पिगी के नेम पर इसका नाम स्टेटम मल्पिगी भी होता है, और ये सेल प्रोलिफरेटिव और डिवाइडिंग होता है। ये होता है प्रोलिफरेटिव और डिवाइडिंग, न्यू सेल्स, नया नया सेल बनाता है, प्रोड्यूस न्यू सेल, नया सेल को बना देगा।
अब इसके ऊपर में आपको लगातार ये जिस नए सेल को ये बनाएगा तो सेल ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, वो सेल फ्लैट होगा, चपटा होगा। अब देखिए धीरे धीरे सेल क्या हो जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एरो लगा रहे हैं, इसका मीन्स है कि धीरे धीरे क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सबसे ऊपर वाला जो सेल होगा वो सेल क्रिएटिनाइज्ड हो जाएगा और ये मर करके यहाँ से हटता जाएगा और उसके जगह पर नया जो सेल पैदा होगा वो उसका स्थान लेता जाएगा, यानी रिक्त स्थान भरता जाएगा। तो हम कहेंगे शेड ऑफ, शेड ऑफ का मतलब है यहाँ से गिर जाएगा। और क्यों मरेगा, तो आपको पहले पता चुके हैं क्रिएटिन के जमा होने के कारण। ये लेयर जो सबसे ऊपर है इसको कहेंगे स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर कहलाएगा, यानी इसमें क्रिएटिन जमा हो जाएगा और ऊपर का सेल हटता जाएगा, नीचे से नया नया सेल आता जाएगा। और ये मल्टी लेयर्ड है इसलिए आप इसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा का मतलब होता है कई लेयर में, तो कई लेयर में आपको नजर आ रहा है इसलिए नाम देंगे क्रिएटिनाइज्ड। अब है क्रिएटिनाइज्ड एपिथेलियम कहाँ मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे क्रिएटिनाइज्ड एपिथेलियम इज स्पॉटेड इन ये कहां मिलेगा, ये आपको समझना है। तो देखिए हेयर में, हॉर्न में, एंटलर में, हूफ, जानवर का जो खुर होता है उसमें हूफ या हूफ्स बोल सकते हैं प्लूरल में। तो हेयर, हॉर्न, एंटलर, हूफ, स्किन, एपिडर्मिस, स्किन एपिडर्मिस के अलावा लिप्स बोल सकते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी, एंटीरियर पार्ट ऑफ ओरल कैविटी, टर्मिनल पार्ट ऑफ द एनस, टर्मिनल पार्ट ऑफ एनस, एंटीरियर डॉर्सम ऑफ टंग, एंटीरियर डॉर्सम ऑफ टंग। ओके, राइनोसेरस में जो उसके स्नूट पर जो एक सिंगल हॉर्न होता है, वन हॉर्न राइनोसेरस जो काजीरंगा में है, वो हॉर्न मॉडिफाइड हेयर होता है और वो क्रिएट